अगर आप मकान बनाने के लिए, अपने मकान हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेना चाहते हैं तो उसका कैसे क्या प्रोसेस होता है, कहां से आप ले सकते हैं, आज हम वही इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन लोन जो लेना है उसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कंस्ट्रक्शन लोन का प्रोसेस क्या होता है। आपको ये देखना होगा कि मार्केट में किस किस टाइप के कंस्ट्रक्शन लोन अवेलेबल है, किस किस पर्पस से आप लोन ले सकते हो, कंस्ट्रक्शन लोन के टाइप क्या क्या हैं, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। उनकी टर्म क्या क्या है, अलग अलग जगह की अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, रिक्वायरमेंट देखनी होती है, रिपेमेंट ऑप्शंस देखने होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखना होगा कि आपकी जरूरत के हिसाब से कौन सी जगह आपको सही लग रहा है जहां से आप लोन का प्रोसेस करवा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज आपको देख लेनी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कि आपको जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए, जहाँ भी आप लोन लेना चाह रहे हो, ठीक है, उस जगह का जो भी एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन और इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए होती है, आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेनी है। अगर मैं इन्फॉर्मेशन में बात करूँ तो वो इस तरह से हो सकती है, जैसे आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन आपका कोई गवर्नमेंट इश्यूड आइडेंटिफिकेशन कार्ड हो सकता है, या फिर जैसे कि उसमें अगर बात करें तो हम ड्राइवर लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपके पास रहनी चाहिए इन डॉक्यूमेंट्स। अगर फाइनेंशियल सेकेंड अगर आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपके पास रखनी है, जैसे कि आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हो गए, उसके अंदर आपका आ गया टैक्स रिटर्न आ गया, बैंक स्टेटमेंट आ गया, या प्रूफ ऑफ इनकम आ गया, जो भी आपकी इनकम अगर सैलरीड हो, सैलरी स्लिप हो गई, या जो भी आपका ज्वाइनिंग लेटर या कुछ भी इस तरह का जो था तो इनकम प्रूफ आ जाएगा। ठीक है, अब ये सारी चीज आपको चाहिए होगा क्योंकि जो भी लेंडर आपको देगा फंड वो आपकी इस सारी चीजों को असेस करेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एबिलिटी को देखेगा कि आप लोन पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, उसी के बेसिस पे आपको वो आगे फंड करने वाला है। ठीक है, उसके अलावा आपको ये भी चीज पहले तैयार रखनी है अगर आप लोन के लिए जा रहे हो, क्योंकि बाद में इन छोटी छोटी चीजों की वजह से आपका लोन आपकी फाइल स्टक हो जाती है, अटक जाती है। तो ये जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करके रखने हैं, जो मैं बताए जा रहा हूँ आपको, जिसमें पर्सनल आइडेंटिफिकेशन हो गया, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो गया, उसके अलावा जो आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो कंस्ट्रक्शन प्लान एंड स्पेसिफिकेशन आपको अच्छे से रखना है कि आप क्या कंस्ट्रक्शन करवाओगे, किस तरह का कंस्ट्रक्शन करवाओगे, कितना स्ट्रक्चर बनवाओगे, उसके अंदर क्या क्या आप लगाने वाले हो, मटेरियल क्या यूज करने वाले हो, उसका आर्किटेक्चरल प्लान क्या रहेगा, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ के आपके पास इसको रखना है। उसके अलावा उसका जो भी कॉस्ट एस्टिमेट है, कॉन्ट्रैक्टर की जो डिटेल है, ये सारी चीज आपको आपके पास रखनी है, क्योंकि आप जहाँ भी फाइल लगाओगे, जहाँ भी आप लोन के लिए प्रोसेस करोगे, वो सब आपसे ये डिटेल मांगने वाले हैं। क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, सामने वाले को ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कंस्ट्रक्शन करवा रहा है तो क्या करवाना चाह रहा है अगला, तो उसको क्या मकान बनेगा, क्योंकि वो आज आपको फंड कर रहा है, एक ओपन लैंड हो सकता है आपका, उस पे आने वाले टाइम में वो क्या बन जाएगा उसको आपको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा आपको अप्रेजल एंड लैंड डिटेल्स देनी पड़ेगी, मतलब अगर हो सकता है आपकी खुद की जमीन है तो उसकी ओनरशिप और उसकी वैल्यूएशन आपको देनी पड़ेगी। आपको ओनरशिप देखनी है कि आपके नाम पर डॉक्यूमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा फाइल लग जाएगा। हो सकता है आपके फादर के नाम हो या कुछ अदर ट्रांजेक्शन हो, तो इस तरह से जो आपकी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स की चैन है वो आपको रखने पड़ेगी। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, लैंड परचेज कर रहे हो, तो उसका आपको एग्रीमेंट वगैरह इस तरह जो डॉक्यूमेंट उसको रिक्वायरमेंट जो जनरल डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको रखने ही हैं। ये सब करने के बाद जो आपको आपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लिए हैं, जिसमें आपने पर्सनल आइडेंटिफिकेशन आपके पास है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपके पास है, कंस्ट्रक्शन प्लान्स एंड स्पेसिफिकेशन आपके पास है, कॉस्ट एस्टिमेट आपके पास है, ठीक है, लैंड डिटेल आपके पास है जिसमें प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स और वैल्यूएशंस, ये चीज़ हो गई। इसको करने के बाद अब आपको देखना है कि कहाँ से आपको लोन लेना है। ठीक है, आपको ढूंढना है कि कौन सा लेंडर है जहाँ पे आपको अच्छी इंटरेस्ट रेट मिल सकती है, जिसके टर्म्स एंड कंडीशन आपके लिए सुचेबल हैं, उसकी फीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक रेपुटेड लेंडर से आप जब बात करोगे आपकी फाइल के लिए, ठीक है, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह सारी चीज़ें देख लें जहाँ से आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, बात कर रहे हो, प्रोसेस करना चाह रहे हो, उसके पुराने प्रोजेक्ट्स देख लें, या सिमिलर फाइल उसने कुछ करी हो आपके आसपास अड़ोस पड़ोस में, किसी का लोन हुआ हो उस जगह से, तो वो जरूर देख लें। ठीक है, वो सेलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पे एक लोन एप्लीकेशन सिंपली आपको सबमिट करना होगा। उसके लिए आपको उस बैंकर से जहाँ से आप लोन लेना चाह रहे हो, लेंडर से आपको कॉन्टैक्ट करना है,
और एक वहाँ पे लोन एप्लीकेशन सबमिट करनी है, ठीक है। लोन एप्लीकेशन आपको अच्छे से भरनी है, सारी डिटेल करेक्ट और एग्जैक्ट देनी है। उसके बाद वो फाइल आपकी आगे प्रोसेस होती है, लोन अप्रूवल प्रोसेस होता है, जिसमें आप एक बार जब भी फाइल सबमिट कर दोगे, एप्लीकेशन वहाँ दे दोगे, तो फाइल आपकी आगे जाती है आपके जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऊपर मैंने बताए थे उनके साथ में। वो उसके बेसिस पे आपका क्रेडिट चेक करते हैं, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को इवेल्युएट करते हैं, आपके कंस्ट्रक्शन प्लान को असेस करते हैं, ठीक है, लैंड वैल्यू वेरीफाई करते हैं। ये प्रोसेस जो है ना थोड़ा टाइम लेता है। तो देखो, लोन अगर आप लेने जा रहे हो ना, थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि साथ के साथ हो जाए, 5 दिन में हो जाए, 4 दिन में हो जाए, टाइम लगता है सारी चीज़ों में, क्योंकि एक एक चीज़ बारीकी से चेक होती है, लीगल चेक, टेक्निकल चेक, क्रेडिट चेक, इस तरह से काफ़ी सारे चेक होते हैं, आपका सिविल रिपोर्ट चेक, ये छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसमें टाइम लग जाता है, ठीक है। ये सब होने के बाद में, आपका चेक होने के बाद में आपका लोन अप्रूवल होता है। जैसे ही आपका लोन अप्रूवल आ जाएगा, उसके बाद आपके पास एक लोन कमिटमेंट लेटर, सेंक्शन लेटर, इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट आएगा जिसमें आप अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन देख सकते हो, इंटरेस्ट रेट देख सकते हो, क्या लोन अमाउंट आपको मिलेगा, रीपेमेंट शेड्यूल आपके पास आ जाएगा, और अगर कोई भी इस तरह की स्पेसिफाई कोई कंडीशन है तो वो भी उसके अंदर लिखी हुई होगी। कुछ डाउट है तो उससे वहां पे डिस्कस कर लो, ठीक है। उसके बाद में ये सारी चीजें देख लेनी है, उसके बाद में आपको उसका सब चीज समझ लेनी है। आपको ये भी वही पूछ लो कि अगर मैं लोन बंद कराना है तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, क्लोजिंग कॉस्ट क्या रहेगी, क्या आप एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हो, ठीक है। आप एकदम से सेटिस्फाई होने के बाद में उनके जो भी सैंक्शन या जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उनको आप सिग्नेचर कर दें, जो कोई भी लेंडर के होते हैं लोन एग्रीमेंट टाइप उसको। तो उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स। तो डिसबर्समेंट आपका क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन लोन में बेसिकली जनरली जो डिसबर्समेंट होता है वो कंस्ट्रक्शन स्टेज के हिसाब से होता है। जैसे जैसे आपका कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस में होगा वैसे वैसे डिसबर्समेंट होगा। उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई हुई है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहां से आप डिटेल में देख सकते हो कि आपका डिसबर्समेंट कैसे होता है, कैसे बाकी लोग डिसबर्समेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका डिसबर्समेंट हो जाएगा, तो इस तरह आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको पैसा वहां से मिलेगा। इन सब चीजों के बीच में एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि आप जहां से भी लोन ले रहे हैं, जिस भी लेंडर है, तो उसको अच्छे से जांच लें, पहचान लें कि ये अच्छा है, रेपुटेड है या नहीं है, इसकी कोई अलग से रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है, कोई अलग अलग तरह से प्रोसेस तो नहीं है। और मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोन लेने के लिए जा रहे हो तो डायरेक्ट वहां लेंडर से ही बात करें, बीच में किसी पर्सन को ना रखें। हो सकता है उससे आपको कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन हो जाए एप्लीकेशन प्रोसेस में, या उस हो सकता है आपको सही से वो इंस्ट्रक्शन नहीं बता पाए, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे अप्रोच करें, डायरेक्ट ही लोन के लिए आगे आप बढ़ सकते हो। और अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।